खुर्रम सुल्तान सुनेगी तो क्या होगा? डर रही हूँ कहीं कुछ कर ना दे। वो औरत बहुत खतरनाक है शहजादी। अगर कुछ करना होता तो अब तक आ जाती। शहजादी तैयार हो जाएं। शहजादी आपको इब्राहिम पाशा के महल ले जाने का हुक्म मिला है। सुल्तान सुलेमान भी आएंगे क्या? मैं आपका बाहर इंतजार कर रहा हूं। कारमिला, सबसे बेहतरीन लिबास तैयार करो। मेहरमा। बाबा आए थे। मुझे इसकी खबर क्यों नहीं थी? बस थोड़ी देर के लिए आए थे सुल्तान, आपको बताने का मौका नहीं मिल सका। मलिका, दाया खातून ने बताया है अभी खजीना सुल्तान के महल जाएंगे, सब सारा खानदान वहीं होगा। क्या वाकई में? बहुत खूब। नीलोफर, तैयारी में मेरी मदद करो, सबसे हसीन नजर आना है। मेरे आका, खुशामदीद आका। वालिदा, आइए वालिदा। मुबारक हो पाशा खजीना सुल्तान आ गई। बहुत शुक्रिया मलिका, आइए। खुशामदीद आका। वालिदा, शहजादी को आका की इजाजत से मैंने मधु किया है। कैसे हैं आप? आपका शुक्रिया, ठीक हूं। मुझे उम्मीद है मैं मुखिल नहीं हुई। नहीं, मुझसे कुछ कहना चाहती हैं मलिका आप? खुशी मनाओ पाशा, एक दिन तुम्हें ये सब याद दिलाऊंगी मैं। लेकिन वो दिन कभी भी नहीं आएगा। शहजादी इज़ाबेल, ये हार सिर्फ आपका है, दोबारा इसे कभी अपने गले से मत उतारिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। इजाजत दें तो जाकर पहनना चाहूंगी। जरूर। मतलब कि तुम अभी तक यही हो शहजादी इज़ाबेल?
जरा, छोड़े मुझे। क्या कर रही हैं आप? तुम्हें कहा इधर आओ। क्या करना चाहती है? ये कौन सा तरीका है? तुम यहां पर क्यों हो? गई क्यों नहीं अभी तक? इब्राहिम पाशा ने पकड़ लिया मुझे, सराय वापस ले आए। यकीन नहीं मुझको, तुमने कोई खेल खेला है इब्राहिम पाशा के साथ, सुल्तान सुलेमान के खिलाफ। मैं जानती हूं तुम्हें मुझे धोखा नहीं दे सकती, ये याद रखना, इसकी कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। दूर रहे मुझसे, हटे। मैं आपकी कनीज नहीं हूं, समझ गई? आप मेरी मालकिन नहीं है, मुझसे ऐसा रवैया नहीं रख सकती। मैं एक शहजादी हूं और तुम सिर्फ एक गुलाम। मैं गुलाम हूं और तुम शहजादी हो, बोलो। हाँ हाँ ऐसा ही है, मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूं। तुम कहोगी चली जाओ तो चली जाऊंगी, और रहने का कहोगी तो रह लूंगी। किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुमसे पूछूंगी कि मुझे क्या करना है। मतलब कि तुम जाना नहीं चाहती क्योंकि तुम आशिक हो गई हो। सुलेमान पर आशिक हो गई हो? बोलो, जवाब दो, जवाब दो मुझे। हाँ हो गई हूँ आशिक में। क्या बिगाड़ लोगी तुम? क्या जान से मार दोगी? हाँ मार दो, मुझे परवाह नहीं किसी बात की। मैं आज से यही हूं अपने सुलेमान के पास, और इसके लिए अगर जंग भी करनी पड़ी तो करूंगी। मतलब जंग करने का फैसला कर लिया? वाकई में? तुम्हें जाने का एक मौका देने की कोशिश की थी, लेकिन वो मौका गवा दिया तुमने। मैं सुल्तान सुलेमान को चाहती हूं और उसके दिल में रहूंगी। मलिका, शहजादी, आपकी बातों में दखल दे रहा हूं, लेकिन आका महल वापस जाना चाहते हैं। शहजादी, आपके लिए आका के पास एक बहुत अहम खबर है। मलिका, क्यों देख रही हो मुझे? मलिका, किसी चीज की जरूरत तो नहीं आपको? है एक हुक्म, तामील करनी होगी। करूंगी बिल्कुल, जैसा कहें हुक्म बजा लाऊंगी मैं आपका। तो जाओ, उस औरत की जान ले लो।
अभी चाहती हैं आप, मगर दिन की रोशनी में कैसे कर सकूंगी? तुमने तो कहा था जो कहूंगी करोगे। डर गई? तुम बुस्तिल हो। मुझे दे दें आप ये खंजर, मैं कोई मौका निकाल लूंगी, आप फिक्र मत करें। शहजादी इजाबेल पहले भी आ चुकी हैं। हाँ तो अब क्यों आई हैं? सामान देखो ना, यहाँ मुंतकिल हो रही हैं जाहिर है। या अल्लाह खैर हो, यकीनन कुछ बुरा होने वाला है। खैर होगी इंशाल्लाह। कैसे आना हुआ? खैरियत ही होगी, ख्वाब में देखा था तुमको, मदद मांग रही थी मुसीबत में। तुमसे मदद मांग रही थी मैं? फसूल ख्वाब देखा तुमने। आज के बाद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या कहना चाहती हो? तुमसे कहा था ना मैंने, इजाबेल तुम्हारा अंजाम होगी। देख लो, जो कहा था वही हो रहा है। तुम्हारा अंजाम करीब है हुरम, वो यही है इसी हरम में। कौन? शहजादी इजाबेल। जाओ यहां से, झूठ बोल रही हो तुम। अगर मेरी बात का यकीन नहीं तुम्हें तो आओ अपनी आंखों से देख लो। ये हरम सुल्तान सुलेमान का है, अब तुम उनकी हिफाजत में रहोगी। कमरा खास दिया जाएगा। अगर तुम यहाँ के उसूलों पर चली तो यह हरम तुम्हारे लिए गुलजार बन जाएगा। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, मेरी बेटी की खुशी और सुकून। तुम सुलेमान को एक सेहतमंद शहजादा दोगी, ये आरजू है मेरी। अल्लाह नसीब अच्छा करे इंशाल्लाह। वालिदा, शहजादी इजाबेल खुश आमदी। इजाबेल अब हमारे हरम में कयाम करेगी। यहाँ के तौर तरीके सिखाने में अगर तुम दोनों मदद करोगी तो खुशी होगी। Thank you.
मेरे आका बादशाह। शहजादी को हरम ले आए क्या? आपके हुक्म के मुताबिक शहजादी को सही सलामत ले आया हूँ आका। वो इस वक्त वालिदा के साथ हैं। वालिदा को मामले से आगाह कर दिया ना? बिल्कुल मेरे आका, वालिदा ने उनका हर तरह ख्याल रखने की हिदायत की है। आला, इजाजत चाहता हूँ। मलिका, आका से मिलना चाहती हूँ। मलिका, इस वक्त तो आका इब्राहिम पाशा से मसरूफ मुलाकात है, आप किसी और मुनासिब वक्त पे आ जाएं तो। मलिका, हट जाओ। मलिका वो, मलिका तुम मेरे खिलाफ। बहुत दिनों से हरम में सुकूत तारी था, लेकिन शहजादी की आमद से यह सुकूत खत्म हो जाएगा। मलिकाओं के दिल आपकी मोहब्बत से लबरेज हैं, उनके दरमियान झगड़ों का ना होना मुमकिन नहीं है मेरे आका। मेरे आका हुरम सुल्तान तशरीफ लाएंगे। आने दो। मेरे आका, अगर इजाजत हो तो मैं तन्हाई में कुछ बात करना चाहती हूँ। इजाजत चाहता हूं। कैसे आना हुआ, क्या बात करना चाहती हो? वो शहजादी एक कैदी है, इन मामूली बातों पर खुद को उदास ना करो। मौका आने पर भेज दूंगा, उजलत ना दिखाओ, इंतजार करो, खुद ही देख लोगी। ये सब कहा था ना मुझसे, लेकिन कुछ देर पहले ही उसे देखा, हरम में आ गई है। ये औरत तो सल्तनत का मामला था ना, क्या सल्तनत के मामले में ये सब कुछ होता है? इस मौजू पे कोई बहस करना नहीं चाहता, कमरे में जाओ। पहले उसे मेरा हार दिया, बाद में घर वालों के साथ खाने पर मदद किया, और अब वो हरम में आ पहुंची, वालिदा की दस्त बोसी कर रही है, अतात कर रही है। सुलेमान, ये औरत यहां किस लिए है? मेरे शहजादों की अकामत गाह में क्यों लाया गया उस औरत को? मैंने यही मुनासिब समझा, इसीलिए उसे हरम में बुलाया गया है। सबकी तरह तुम्हें भी उसे खुले दिल से कबूल करना है। खुशामदीद शहजादी, क्या मैं यहां रहूंगी? आपकी आमद गैर मुतवक्का है, मगर आपकी आरामगाह जल्द तैयार हो जाएगी। मुझे पसंद नहीं, मैं सुल्तान सुलेमान के साथ रहूंगी। क्या हुआ? Two people here. सुल्तान सुलेमान खान की ख्वाबगाह में नहीं रह सकती आप। यहाँ आपके महल जैसा रिवाज नहीं है, यहाँ पाबंदियां हैं। सुलेमान, क्या अब तक नहीं समझे मुझे? मैं औरों जैसी नहीं हूं,
मौत कबूल है मगर वो कबूल नहीं। दायरे में रहो हुरम। इस बार गलती मत करना, सुकून से रहो, मत खड़ा करो हंगामा। शिकार सराय उसने जलाई थी, हरम को भी आग लगा सकती है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। एक काफिर है वो, हमारी दुश्मन कैथोलिक है। कैथोलिक? ये तुम कह रही हो? तुम जब महल में आई थी तो तुम भी ईसाई थी, ये बात मत भूलो। और अब तुम पूरी तरह मुसलमान हो चुकी हो और मेरे चार बच्चों की मां भी हो। अपने बच्चों की कसम खाती हूं कि आज का दिन कभी फरामोश नहीं करूंगी सुलेमान। मेरे आका, शहजादी की आमद खुशगवार है वालिदा, हुरम से भी दोस्ती हो जाएगी। उन दोनों से तुम दूर रहना माहिदौरा, उन्हें एक दूसरे से झगड़ने देना। उनका झगड़ा तुम्हारे लिए खलवतगाह का दरवाजा खोल सकता है। वालिदा, मेरी अपनी भी यही आरजू है। वालिदा, हमें याद किया आपने, आओ बैठो हुरम। मेहमत, मेहरमा, आओ मेरी जान, आओ मेरी शहजादी, इधर आओ। मतलब कि आका ने दाखिले हरम कर लिया। ये सब कैसे हो गया? सियासी मामला समझ रही थी मैं तो। कुछ बदला नहीं है, ये भी एक हिस्सा है सियासी मामलात का। आका शहजादी को एक महफूज मकाम पर रखना चाहते हैं। हंगरी में हलचल मची हुई है, शहजादी की कीमत और बढ़ गई। समझ गई, लेकिन हुरम बेहद सरकश है, उसे खूब जानती हूं। अब देख लीजिएगा, एक कयामत बर्पा कर देगी। जैसा करेगी वैसा भरेगी।